हेलो एवरीवन आपका स्वागत है मेरे चैनल पे तो मैं आ गई हूँ आरा में तो ये देखिए मेरी सेकंड वाली दीदी का घर है तो हुआ कि बहुत दिन से हम लोग सोच रहे थे कि मंदिर जाएंगे बखोरापुर मंदिर जाएंगे तो वहीं पे हम लोग जा रहे घूमने के लिए तो सेकंड वाली दीदी हैं थर्ड वाली दीदी हैं और उनकी बेटी लोग हैं तो हम सब लोग जा रहे हैं घूमने के लिए और इस तरह से ये ज़्यादा दूर भी नहीं है मतलब आरा स्टेशन से बाईस किलोमीटर ही है एक गांव है भखोरापुर मंदिर जहाँ पे काली माँ का मंदिर है और बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है मैं पटना में भी काफ़ी सुनते रहती हूँ कि वहाँ पे मंदिर बहुत ही अच्छा है तो ये देखिए हम लोग पहुँच चुके हैं और यहाँ से हम लोग ले लेंगे पूजा का सामान काफ़ी सारा दुकान भी था यहाँ पे पूजा का और ये देखिए यहाँ पर सब लोग चुन्नी सिंदूर बिंदी जो भी चढ़ता है सब मिल जाता है आराम से और ये है प्रवेश द्वार उतनी भीड़ नहीं थी लेकिन थी भीड़ वहाँ भी भीड़ था काफ़ी भीड़ था और ये देखिए जैसे शादी होता है किसी का या तो किसी तरह से मन्नत पूरा हो जाता तो है तो शादी के बाद दुल्हा दुल्हन भी काफ़ी दिख रहे थे यहाँ पे ये देखिए मैं मंदिर के अंदर आ चुकी हूँ ये देखिए भीड़ कितना है और टाइम भी काफ़ी हो गया था बारह बजने वाला था तो मंदिर का पट भी बंद होने वाला था तो हम लोग जल्दी जल्दी लाइन में लग के आ गए थे दर्शन करने के लिए माता रानी का और काफ़ी देर तक वहाँ पे पंडित जी खड़ा नहीं होने दे रहे थे थोड़े देर के लिए ही रख रहे थे सबको और वही प्रसाद भी चढ़ा रहे थे तो ये देखिए यहाँ पर पिंडी है और काली माँ का मूर्ति है और नौ पिंडी है मैं तो नौ पिंडी देखी यहाँ पर और ये कहते हैं कि बहुत ही जागता मंदिर है काफ़ी पहले हैजा का रोग हो गया था एक गांव में इसी गांव में तो वहां पे किसी पंडित ने बोला था कि काली माँ का स्थापना करने के लिए तो वहां पे काली माँ का स्थापना किया गया था तो अब यह मंदिर बहुत ही प्रसिद्ध होते जा रहा है धीरे धीरे काफ़ी दूर दूर से भी लोग आने लगे हैं यहाँ पर तो हुआ कि चलो मैं भी घूम लेती हूँ उसके बाद दर्शन करने के बाद थोड़ा बहुत फ़ोटो शूट हो रहा था फ़ोटो वगैरह हम लोग निकाल लिए थे पूरा फैमिली और उसके बाद होता है क्या है कि जो आंगन होता है जो मतलब मंदिर का तो वहाँ परिक्रमा लगाया जाता है जैसे कि आप दस बार लगा ग्यारह बार लगा लीजिए दस बार लगा लीजिए सात पाँच इस तरह से लगा लेना चाहिए तो मैं भी इस तरह से परिक्रमा लगा लूँगी यहाँ पर तो ये देखिए दे, दे, इस तरह से ये फ़ोटो शूट करते जा रहे हैं और वीडियो भी बनाते जा रहे हैं यहाँ पर और जो माता रानी का मूर्ति होता है उसके पीछे सिंदूर वगैरह लगाया जा रहा था सब लोग वहाँ पे सिंदूर बिंदी सब लगाते जा रहे थे तो सब लोग थोड़ा आगे पीछे हो गए थे हम लोग अपना अपना फेरी लगा रहे थे फेरी में परिक्रमा लगाते जा रहे थे वहाँ पे हम लोग तो ये देखिए यहाँ पे कितने सारे बिंदी लगा हुआ है सब लोग बिंदी निकाल के ही लगा रहे थे मैं भी क्या की सारा बिंदी यहाँ पे लगा दी थी एक दो रख ली थी मैं और जितने बार परिक्रमा लगाई थी उतनी बार सिंदूर और ये बिंदी लगा दी थी यहाँ तो पूरे जगह पे बिंदी ही लगा हुआ था ये ऐसा तो मैं पहली बार देख रही थी उसके बाद और भी मंदिर था यहाँ पे सटा हुआ जैसे शिवालय था और सूर्य भगवान का भी मंदिर था यहाँ पे छोटे छोटे काफ़ी मूर्तियाँ भी था अब अगल में ये देखिए सरसों का खेती भी बहुत सारा था यहाँ पे लेकिन हम लोग को लेट हो रहा था तो हम लोग ज़्यादा देर तक वहाँ पे नहीं रुके थे थोड़े देर के लिए ही गए थे और ये देखिए बीच में पानी वगैरह है और उसके ऊपर मंदिर बना हुआ था तो मैं तो नाश्ता करके गई थी तो इसीलिए शिवालय का पूजा नहीं की थी खाली पेट ही पूजा करना चाहिए शिवलिंग पे जल चढ़ाना चाहिए तो लेट हो गया था काफ़ी लेट हो गया था बारह साढ़े बारह हो गया था तो इसीलिए मैं नाश्ता कर चुकी थी तो सिर्फ मैं प्रणाम कर लूँगी भगवान को और जिनका मन्नत वगैरह रहता है वो चुन्नी वगैरह भी इस तरह से चढ़ा के अपने आप को होरा लेते हैं मतलब ढक लेते हैं इस तरह से पहन लेते हैं चुन्नी को और जिनका जैसा मन्नत रहता है उस तरह से अपना पूजा कर रहे थे यहाँ पे तो दीदी की जी सेकंड वाली दीदी उनकी लड़की है अलका तो उसका ही मन्नत था काफ़ी दिन से उसका मन्नत मन्नत था पूरा भी हो गया था तो काफ़ी समय से वो बोल रही थी कि सब लोग साथ में चलेंगे तो हुआ कि मन्नत जब पूरा हो जाता है तो इस तरह से सिंदूर लगाया जाता है मतलब नाक पर से तो बिहार में तो ये कम्पल्सरी रहता है कुछ भी शुभ काम करते हैं या तो कहीं जाते आते हैं तो इस तरह से सिंदूर लगाते ही हैं और सिंदूर एक दूसरे को ही लगाया जाता है जैसे मैं लगा रही हूँ तो मुझे भी लगाते जा रही हैं तो अलका का ही मन्नत था उनके हस्बैंड का प्रमोशन हो गया था जॉब में तो इसीलिए अलका काफ़ी टाइम से बोल रही थी कि मौसी आइए तो हम लोग सब लोग साथ में चलेंगे तो कहते हैं कि यहाँ मन्नत भी पूरा होता है मैं तो फर्स्ट टाइम आई हूँ देखती हूँ क्या क्या मन्नत पूरा होता है तो ये है अलका सेकेंड वाली दीदी की बेटी हैं ये और इसका दो लड़का है और एक लल्ली है छोटी है तो ये देखिए यहाँ पे है सूर्य भगवान का मंदिर जो सात घोड़े पे है सूर्य भगवान तो बस आज का ब्लॉग इतना ही था अच्छा लगे तो लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिए